आज मैं आप लोगों के लिए होममेड ड्राई फ्रूट श्रीखंड की रेसिपी को लेके आई हूँ। गर्मियों के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और झंझट बिल्कुल नहीं होती है। जितना ये बनाने में इजी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। अगर आप भी इसे एक बार बना करके खाएंगे तो ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर आज के इस होममेड ड्राई फ्रूट श्रीखंड की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस होममेड ड्राई फ्रूट श्रीखंड की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने घर का जमा हुआ ही दही लिया है। अगर आपको मेरे दही की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बाउल के अंदर हमने स्ट्रेनर लगा दिया है क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है। तो उसके बाद एक कॉटन का क्लॉथ ले लेंगे और उसको इसके अंदर रख देंगे ताकि हम उसका पानी जो है वो आसानी से निकाल सकें। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक कॉटन का क्लॉथ लगा दिया है और इसके अंदर हमने जो दही जमाया था उसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका पानी जो है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दही वैसे ही बहुत थिक है, लेकिन फिर भी इसका पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम श्रीखंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसको टाई कर देंगे, यानी कि इसकी जो है गांठ लगा देंगे ताकि इससे इसका पानी जो है वो आसानी से निकल जाए। और इसे हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए रखना है ताकि इससे इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाए और हमारा जो दही वो एकदम थिक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको टाई कर दिया है। तो अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरह से इसको इस तरह से छोड़ देंगे और जब 1.5 से 2 घंटे हो जाएंगे तब हम इसे चेक कर लेंगे कि इसमें से पानी अच्छे से निकला है या नहीं है। अगर आपको मेरी तरह ड्राई फ्रूट श्रीखंड बनाना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम इसे निकाल करके चेक कर लेते हैं कि इसमें से पानी निकला या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी पूरा अच्छे से निकल चुका है और हमारा दही जो वो कितना थिक दिख रहा है, यहाँ पर पानी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और कितना थिक दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी हमें बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट दही चाहिए श्रीखंड बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने गुनगुने दूध के अंदर केसर की कुछ पत्तियों को भिगा के रख दिया था, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 से 3 टीस्पून यानी कि 2 से 3 छोटे चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट श्रीखंड बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर इसके अंदर हमने कटे हुए पिस्ता डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्वान्टिटी जो है कितनी भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कटे हुए बादाम भी हमने डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने किशमिश भी डाल दी है। और सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर काजू डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें यानी मिला दें। तब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राई फ्रूट श्रीखंड है वो कितना थिक और गाढ़ा दिख रहा है और ये कितना दिखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही यमी और टेस्टी है। आप भी अगर इसे एक बार बना करके खाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसे हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना थिक और गाढ़ा है, ये स्पून के अंदर से बिल्कुल नहीं निकल रहा, यानी कितना थिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये ड्राई फ्रूट श्रीखंड की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।